हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश और आज हम देखने वाले हैं हेलो डॉयज जो कि क्लास सेवन्थ के लिए पढ़ाई जा रही है तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं इसमें दो मॉड्यूल्स हैं मॉड्यूल ड्राई जिसका टॉपिक है और मॉड्यूल फियर जिसका टॉपिक है फ्राइजाइट फ्राइजाइटिटेटन तो मॉड्यूल ड्राई के जो चारों लेक्स हैं वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल में पोस्ट कर चुकी हूँ और मॉडल फेयर का भी जो है लेक्शन आइंस काउंसिल इन लाइन स्केटन वो भी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में पोस्ट कर चुकी हूँ तो आज हम देखेंगे लेक्शन जॉय वेम गेहोर दास फाराक तो फर्दर डिले ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम तो अब आ जाते हैं नंबर नाइन सेन जो कि है एक ईमेल श्राइबन दो बिकॉम्स आइन मेल फॉन बेन लीज दी मेल आपको जो एक मेल है वो बेन से रिसीव हुई है बेकॉमन ओके यहाँ पे वर्ब है हमारा बेकॉमन बेकॉमन से आया है ओके यानी कि टू टू गेट और रिसीव लीज दी मेल और आपको ये मेल अब पढ़नी है लीज किससे आया है लेज़न से ना, लेजन यानी कि टू रीड ओके और ये एक इंपेरेटिव है लीज यानी कि पढ़िए है ना इंपेरेटिव में ऐसे हम लोग लिखते हैं, यानी कि पढ़ो, तो इस मेल का फॉर्मेट देख सकते हैं है ना यहाँ पे सबसे पहले लिखा है फॉन जिससे आपको रिसीव हुई है, फ्रौम, फ्रौम, बेन, से आया है। बेन का ये ई मेल दिया हुआ है है ना और अन यानी कि होता है टू जिसको हम लोग एड्रेस करते हैं कि किसको ये मेल भेजी गई है ओके okay? तो यहाँ पर उस आदमी का ईमेल आएगा जहाँ पर जैसे हम लोग जी में लिखते हैं फ्रॉम एंड टू टू में हम लोग लिखते हैं कि हमको किसको सेंड करना है ओके okay? तो अन यहाँ पे प्रपोजिशन है फॉन भी प्रपोजिशन है ओके okay? तो स्टार्ट करते हैं इसको हलो हलो आप फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं हेलो एक्स वाई जेड शाओ माल ऑफ डेम फोटो शाओ ऑफ डेम फोटो शावन तो सबसे पहले ये वर्ब आया है शावन बहुत ही अच्छा वर्ब है शावन शावन का क्या मतलब होता है पहले मैं इसको लिख देती हूँ शावन शावन का मतलब होता है टू लुक ओके देखना शावन वो कहता है शाओ माल ऑफ डीम फोटो यानी कि इस फोटो को देखो तो कौन सी फोटो है ये वाली फोटो है यहाँ पे ये देखिए ये वाली फोटो है इसको कहता है देखो हम्म शाओ माल ऑफ डीम फोटो ऑफ क्या है यहाँ पे ऑफ भी हमारा है एक प्रपोजिशन इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं लुक एट द लुक एट द फोटो ओके टू लुक अब यहाँ पर भी है क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पे इम्पेरेटिव का एक एक्सप्लेमेशन साइन दिया हुआ है जिससे पता चलता है कि वो एक ऑर्डर दे रहा है यहाँ पे शाओ माल ऑफ डिम फोटो यानी कि उस इस फोटो को देखो शाओ माल अगर इसका दूसरा वर्ब मैं आपको बताऊँ जो बहुत यूज होता है काफी धड़ल्ले से जो है गुकन जी यू सी के ई -E एन ध्यान से सुनिएगा इसका मतलब भी होता है टू लुक और स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जर्मुन में जर्मनी में मैंने देखा कि ये बच्चे जो हैं छोटे छोटे बच्चे वो उसको बहुत यूज़ करते हैं शाओ माल मुटी मम्मी उधर देखो हाँ गुख माल गुख माल मुटी बच्चे लोग एक्साइटमेंट में कैसे बोलते मम्मी उधर देखो मम्मी इधर देखो पापा इधर देखो है लुक देयर लुक है तो ये वर्ब जो है बहुत ज़्यादा यूज़ आपको दिखेगा इनका शाउ तो वही चीजें है यहाँ पे शाउ मॉल ऑफ डेम फोटो वो भी ये कहता है कि आप जो है इस तस्वीर की तरफ देखिए दस इज माई नॉयस फार ओके तो ये था हमारा पहले मैं इसका सेंटेंस क्लियर कर दूँ लुक एट द फोटो ठीक है शाउ मॉल ऑफ डेम फोटो ऑफ जो है एक प्रपोजिशन है यहाँ पे ये भी एक प्रपोजिशन है प्रपोजिशन ओके okay? ये काफ़ी सारे हैं प्रपोजिशन यहाँ पे मैं अच्छा अलग से लिख देती हूँ शन इसको आप पढ़िए और समझिए कि ये किन किन जगहों पे यूज होता है जैसे फॉन फ्रॉम हो गया है ओके okay? uh, हो गया हमारा टू ठीक है यहाँ पे ऑफ और ये कई जगह पर जो है डिफरेंट इंग्लिश uh, में इसका ट्रांसलेशन होता है ओके okay? ऐसा नहीं है कि एक बार अन हो गया तो ये टू ही होगा ये अन डिपेंड करता है कि कौन से वर्ब के साथ आ रहा है ओके okay? जैसे शाओ है शाओ माल ऑफ डेम फोटो लुक एट द फोटो ऑफ हो जाएगा हमारा एट ठीक है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ओके okay? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या हैं ये है प्रपोजिशंस ये हमारे वर्ब्स हैं यहाँ पे ओके okay? ये हमारे दो वर्ब्स हैं शावन और गुकन आगे वो कहता है दस इज माई नोज फार ये जो है मेरी नई बाईसाइकिल है माइन माइन यानी कि मेरी ओके दैट इज माइन मेरी नोयस यानी कि नई नई मेरी साइकिल है ये मेरी नई साइकिल है ओके okay, माइन अब यहाँ पे फाराद का आर्टिकल क्या होता है जैसे हमको पता है फाराड होता है दस फार यानी कि एक न्यूटर जेंडर है दस न्यूट्रल जेंडर है इसीलिए यहाँ पे आया है क्या माइन ओके okay? और इस हमारा क्या है नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव वर्ब है राइट right? जाइन तो इसलिए हम लोग क्या फॉलो करेंगे का। का तो सॉरी नॉमिनेटिव का क्या होता है नॉमिनेटिव का जैसे मैं आपको लिखती हूँ मैस्कुलिन न्यूटर एंड प्लूरल तो इसका होता है हमारा डेर, डी दास डी ठीक है तो यहाँ पे क्या है हमारा दास दास फारार में यहाँ पे भी हमारा जो है माइन ही आता है तो यहाँ पे इसीलिए आया है माइन नोयस फार और नॉय क्या है यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है माइन नोयस फार दास होने के चक्कर से ही यहाँ पे जो है एडजेक्टिव इसको कहते हैं एडजेक्टिव डेक्लिनेशन क्योंकि नॉय क्या है नई मेरी नई बाईसाइकिल इसीलिए नो आया है ना दास की वजह से यहाँ पर ईयस yes. जैसे मैंने आपको बताया है ये एडजेक्टिव डेक्लिनेशन है और इसका भी अपना पूरा एक ग्रामर है इसको अभी आप एज इट इज पढ़ सकते हैं बट इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे हायर क्लासेस में ओके okay? सो so, अभी के लिए आप ऐसे पढ़ सकते हैं दस इज माई नॉयज फारात अगर आपको सेंटेंस लिखना है कि ये मेरी नई साइकिल है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं ओके okay? ये एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट है उसके बाद क्या कहता है वो इस एस निष्कूल इसकूल क्या ये जो है बहुत ही कूल cool नहीं है या इज इट नॉट कूल इंग्लिश में कैसे बनेगा इज इट इज इट नॉट कूल है ना अपनी बाईसाइकिल जो है दिखा रहा है और बोल रहा है कि क्या ये कूल cool नहीं है मेरे दोस्त जल्दी देख के बताओ इसको एस हट आई ने ब्लास हट एस हट यानी कि इट हैज एस क्योंकि ये हमारा दस फार आ रहा है इसीलिए हम लोगों ने क्या पर्सनल प्रोनाउन यूज किया एस इट ओके इट हैज हो जाएगा हमारा हट या इट हैज आईने आईने यानी कि अ इट हैज अट हैज अ यानी कि वेरी शून शून क्या होता है ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्लाउ मींस ब्लू और फार्बो मीन्स कलर ठीक है पहले यहां तक समझते हैं. एस हट हाँ ने जिया शून ब्लाउ फार्व ये सेंटेंस काफी लंबा है मगर ग्रामेटिकली इसको आप देखेंगे तो पहले तो ये इट हैज कौन सा वर्ब यूज हो रहा है इसमें हाबन तो हबन हाँ क्या है हमारा एक एक्जेटिव वर्ब है राइट यहां पे मैं इसके साथ ना एक्विजेटिव का भी लिख देती हूं ताकि मैं इस फिर आ जाता है डेन डी दास डी राइट नॉमिनेटिव ओके तो नॉमिनो अगर जब हम लोग एक्विजेटिव चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है आईने लगा हुआ है तो ये मैंने अभी बिस्टम टार्टिकल लिखा है ठीक है अगर मैं इसके साथ उन बिस्टम टार्टिकल लिखूंगी यहाँ पे तो देखिए फारब जो है हमारा क्या है डी फारब राइट यहाँ पे मैं इसका आर्टिकल लिख देती हूँ सबसे पहले डी फारब यानी कि कलर रंग ओके okay. वो कहना ये चाह रहा है कि इट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लू कलर ये साइकिल आप देख सकते हैं किस कलर की है नीले रंग की है ब्लू कलर की है ठीक है तो वो अब अपनी साइकिल की विशेषता बताते हुए कहता है कि इट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लू कलर ओके अब इसका ग्रामर समझने के लिए आपको सबसे पहले इसका नाउन ढूंढना है नाउन क्या है इस सेंटेंस में फारबो ओके okay? डी फारबो ये यह हमने यहाँ पे लिख दिया है नाउन ये सारे ही नाउन्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं ठीक है ये भी नाउन है एक डी फार्बो तो डी फार्ब कैसा नाउन है एक फेमिनिन नाउन है ठीक है तो फेमिनिन नाउन तो है साथ में हमने सेंटेंस में क्या यूज किया है हाबन यानी कि एक एक्विजेटिव वर्ब तो हम इसको कौन से चार्ट को फॉलो करेंगे इस केस में एक्विजेटिव ठीक है एक्विजेटिव के हमें एक, किसको देखना है फेमिनिन पे यहाँ पे क्या है डी मगर यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये बिस्टिम आर्टिकल नहीं है डस क्या होता है बिस्टिम आर्टिकल होता है डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे क्या यूज किया है इसने आई ने यानी कि एक उन आर्टिकल यूज किया है पर उससे भी क्या फर्क पड़ता है क्योंकि जैसे डी होता है उसी जरिये से हम लोग यहाँ पे आईने रख देंगे ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा आई आईन ठीक है तो आपको पता चल गया डी के साथ क्या है यहाँ पे आईने उन बेस्टिम आर्टिकल और हमारा बेस्टिम आर्टिकल आपको क्या पिक करना होगा आई ने जो कि सेंटेंस में इन्होंने यूज किया है इसलिए सेंटेंस बना कैसे एज हार्ट आई ने जिया शून प्लाउ फार ठीक है अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसकी एंडिंग में भी आप लगातार देखिए यहाँ पे एक, एक एक्स्ट्रा ई है शून्य में और ब्लावो में यहां पे मैं इसको लिख देती हूं कैसे है ये जिया शून फिर आ गया इसके साथ प्लाव फार्ब ठीक है फार्ब, अब ये क्योंकि एक फेमिनिन आर्टिकल है इसके लिए इसके पहले जो एडजेक्टिव हुए हैं ब्लू क्या है एक एडजेक्टिव है ये इस कलर की बता रहा है कि कैसा कलर है ये एक नीला कलर है और फिर से इस कलर की अगर हम लोग इसकी बात करें ये नीला कलर है और यही रंग जो है कैसा है बहुत ही सुंदर है शून है ये भी एक एडजेक्टिव है ठीक है तो यहां पर इसने दो एडजेक्टिव लगाए हैं और इस कलर को इसने डिफाइन किया है कि इट हैज अ वेरी ब्यूटिफुल अब जिया क्या है एडवर्ब है क्या है एडवर्ब एडवर्ब क्या होता है जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है कलर तो सुंदर है पर कैसा है बहुत सुंदर है कैसा है बहुत सुंदर ये सिर्फ सुंदर है और यहाँ पे जिया क्या हो गया बहुत सुंदर हिंदी में कहते हैं ना बहुत ही सुंदर था यार उसका साइकिल बहुत ही सुंदर सुंदर को भी एक बहुत लगाने से वो पता चलता है कि वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल था ओके okay? तो अब जब हम लोग इसके एंडिंग्स मैच करते हैं जब क्योंकि एडजेक्टिव्स है ठीक है इसको क्या कहते हैं इस पूरी ग्रामर को अगर आप समझे तो ये एडजेक्टिव डेक्लिनेशन का पार्ट है adjective decli nouns ठीक है यानी कि जब भी हम एडजेक्टिव्स किसी नाउन से पहले लिखेंगे किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा तो उसकी एंडिंग भी जो है चेंज होती हैं, किसके अकॉर्डिंग उसके नाउन के अकॉर्डिंग अगर वो लड़की है अगर वो फेमिनिन है तो उसके एंड में हम लोग एक एक्स्ट्रा ये डालते हैं शून ब्लव ये अपने आप में एक फुल फ्लेज्ड ग्रामर है ओके यहाँ पर ये यूज़ किया गया है इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ अगर आपको समझ में आता है तो गुड है नहीं तो आप एज इट इज ए सेंटेंस अभी के लिए रट सकते हैं इसका जो आ, ऐसा ये क्यों लिखा गया है हो सकता है आपको आगे आने वाली क्लासेस में या अभी हायर क्लासेस में आपको पता चले ओके बट आई होप कि आपको यहाँ तक अभी समझ में आया होगा कि ये हमारे एडजेक्टिव हैं और एडजेक्टिव की एंडिंग को नाउन के साथ मैच करने के लिए आ, ऐसा एक्स्ट्रा यहाँ पे ई डाला हुआ है आप यह मत सोचिए कि शुन तो एस सी एच ओन ऐसा होता है तो यह होता है है ना ब्यूटिफुल और अगर मैं लिखूं ब्लाउ तो ब्लाउ होता है ऐसे है ना ब्लाउ यानी कि ब्लू नीला कलर ठीक है तो इसकी एंडिंग ऐसी क्यों है इसकी एंडिंग इसीलिए ऐसी है क्योंकि ये एक आ, फेमिनिन नाउन के आगे लगे हुए हैं ठीक है तो अब क्या सेंटेंस हो गया इट हैज अब आप, आप देखिए इसको दोबारा से इट हैजेरी शून ब्यूटिफुल ब्लाउ ब्लू फारी इट हैज वेरी ब्यूटिफुल ब्लू कलर इट हैज अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लू कलर इस साइकिल का जो है बहुत ही बहुत ही सुंदर ब्लू कलर है नीला रंग है ऊंट एस हट आई नून ब्लाउ फार्ब ऊंट फुकू निय गुट फुकसू नियर फुंगसू जो है ये हमारा वर्ब है फुक यहाँ पे मैंने लिखा है यानी कि फंक्शन करता है हम नीचे देख सकते हैं ना फुक गुड यानी कि टू फंक्शन क्रिया मतलब ये जो काम करता है वो भी बहुत अच्छा करता है साइकिल जो है बहुत ही बढ़िया चलती है ओके फुकसू हमारा यहाँ पे वर्ब है आगे आ जाते हैं ये फार इश ये मिट माइन एन फ्रोय राश फार फार इश क्योंकि हमारा चेंज uh, हो जाएगा यहाँ पे नंबर दो पे हमारी जो है क्रिया आएगी वर्ब आएगा यहाँ पे ओके okay? वर्ब वी टू आएगा यहाँ पे वी टू यहाँ पे मैं लिख देती हूँ okay? तो हमारा जो नाउन uh, है वर्ब है वो है राड फारन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ राड फारन ठीक है यानी कि साइकिल को चलाना राड हो गया हमारा नाउन और फारन हो गया वर्ब तो वर्ब हमारा यहाँ इस सेंटेंस में कॉन्जुगेट हो गया कैसे ईश फार इश फार राड। इश फार राड। और उसके बीच में ये सेंटेंसेस भी हमने लगा दिए इसीलिए देखिए एंड में सॉरी ये वाला नहीं है उससे ऊपर उप, वाला है राड है ना इश यथ फार इश यत्ड अगर आप बीच का सेंटेंस छोड़ देंगे तो आप छो, छोटा सेंटेंस क्या बना पाएंगे यथ फार इश राड आप उसने और इंफॉर्मेशन दे दी कि कब चलाता है ये डन ट हर दिन चलाता है और किसके साथ चलाता है मिट माइन एंड फ्राइनडन ओके मिट माइन एंड फ्राइनडन अब ये है विद माई फ्रेंड्स फ्रॉयडन यानी कि विद माई फ्रेंड्स मिट अब मिट क्या है हमारा यहाँ पे सेंटेंस को अगर हम डिकोड करें तो मिट है हमारा यहाँ पे एक डार्टिव प्रपोजिशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है मिट हमारा क्या है डार्टिव है डाटिव प्रपोजिशन है विद का मतलब होता है के साथ में ओके okay? किसके साथ में जाता है वो साइकिल के साथ में जाता है ना अपने फ्रेंड्स के साथ मिट माइनन फ्रॉयडन अब यहाँ पे आपको देखना है कि फ्रॉयडन जो है वो हमारा एक प्लूरल नाउन है फ्रोइेंडन फ्रेंड्स ये प्लूरल है तो अगर मैं डाटिव केस की बात करूं तो हमको इसका चार्ट पहले समझना पड़ेगा तो nominative, accusative है अब हाँ पे मैं इसका डाटिव चार्ट लिखती हूँ आर्टिकल का वो हो जाता है डेम ओके डेयर और लास्ट में आता है प्लूरल में क्या डेन ठीक है तो अगर यहां पर हम हमने यहाँ पे क्या लिखा है डेफिनेट आर्टिकल ठीक है यहाँ पे इन्होंने क्या यूज़ किया है माइन यानी कि इन्होंने पॉजिटिव आर्टिकल यूज़ किया है ना मेरा या तेरा रिमेंबर माइन दाइन तो माइन के साथ हम लोग कैसे जोड़ेंगे लास्ट में ये ई एन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइन एन ये जगह में क्या हो जाएगा माइन एन है ना ये एंड में एक्स्ट्रा ई एन जुड़ जाता है क्योंकि ये प्लूरल है माइन एन इसीलिए और फ्रॉनडन तो ऑलरेडी इसमें जो है हमारा आ, प्लूरल में है इसी इसके लिए भी इनके एंड में

ये हो जाएगा हमारा मिट माइनेिट माइनेन और फ्रोएडन ठीक है इसका इंग्लिश में हो जाएगा विद माय फ्रेंड्स प्लुरल ओके okay? विद माय फ्रेंड्स तो जब भी आप मिट लगाएंगे तो आपको पता है कि प्लुरल में हमारा एंड में यहाँ पे एन एक्स्ट्रा जुड़ जाना चाहिए ठीक है चार्ट को आप हमेशा फॉलो करेंगे यहाँ डेयर तो डी डी डेन डी डी डेम डेयर डेम और डेन प्लुरल डेन आपको याद रखना ये डेन प्लुरल में ठीक है प्लूरल ओके तो मिट माइन फ्राइंड क्यों आया है यह आपको समझ में आ गया है ठीक है राड फारन हमारा साथ में आता है इसको क्या बोलते हैं नोमन व्यान ठीक है व्या ऐसे वर्ड जो हमेशा एक नाउन और एक वर्ब के साथ बनते हैं राड साइकिल चलाना ओके हिंदी में हम बोलते हैं साइकिल को चलाना ओके इसके बाद क्या आता है इश्कानी फारन इश्कान यत्स ओक और वो साइकिल और क्या कर सकता है साइकिल के साथ वो कह रहा है कि मैं इशकान आई कैन यत्स नाउ ऑख मीन्स ऑल्सो आई कैन नाउ ऑल्सो मिड डे मुफारात विथ माई बाईसाइकिल सुरशूल फारन और मैं इसी बाईसाइकिल के साथ अपने स्कूल भी चला जाता हूँ जो इतनी अच्छी है कि मैं स्कूल भी जा रहा हूँ उसके साथ ही ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या सीखना है यहाँ पर आपको देखना है मोडाल व मोडाल वब कान यूज़ किया है हमने सेकेंड नंबर पर जब भी मोडाल वब आता है इन्फिनेटिव हमेशा लास्ट में आता है ठीक कर सकता हूँ सकना कोई चीज ठीक है कि हाँ पे हमने अगेन, मिट एक किया, जिसका मतलब होता है के साथ में अब वो किसके साथ में स्कूल जाता है अपनी साइकिल को लेके जाता है ना आई एम श्योर आप में भी कई लोग जो है साइकिल से कम्यूट करते होंगे स्कूल या अपने आ, मार्केट जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के घर जा सकते हैं है ना तो यहाँ पे हमको जो समझना है यहाँ पे वो ध्यान से आप सुनिए कि अब मिट डेम फाराद क्यों आया है क्योंकि फारात का आर्टिकल क्या है दासफ आर ओके okay? दासफ आर है ये एक जेंडर है ठीक है और अब हम लोग इसका अगर चार्ट में देखें तो हमें डाटिव का चार्ट फॉलो करना है क्योंकि मिट आ गया है प्रपोजिशन मिट आते ही आपको डाटिव ऑब्जेक्ट को है डाटिव में चेंज करना है तो डाटिव के साथ क्या हम लोग देखेंगे जेंडर तो जेंडर में क्या है अगर मैं नीचे जाऊँ तो हो जाता हमारा डेम राइट ये देखिए इसके नीचे जस्ट फॉलो कर रही हूं नॉमिनाटिव में दास होता है आखोजाटिव में दास होता है और डाटिव में क्या बन जाता है डेम ठीक है इसीलिए जब हम लोग फाराद लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा मिट डेम फाराद मिट डेम फाराद विथ माई बाई साइकिल या साइकिल ठीक है अब यहाँ पे आप एक चीज और समझिए कि ऊपर वाला क्या था पॉजिटिव था माइन पॉजिटिव आर्टिकल था मिड फाराद क्या है एक डेफिनेट आर्टिकल है जितने भी आर्टिकल्स आप जब में देखते हैं डेर डी डास डी कोई भी वेरिएशन इंग्लिश में क्या मतलब होता है उसका द हमेशा क्या मतलब होता है उसका द विद सॉरी विद, विद माई साइकिल नहीं विद द साइकिल होगा ओके द साइकिल ओके विद द साइकिल okay? अगर यहाँ पे माइन माइनम अगर वो मेरा बनाते कि मेरी साइकिल के साथ में चले जाता हूँ क्या हो जाता मिड माइनम बाई साइकिल बिल्कुल मिड माइनम बाई साइकिल अब इसी तरीके से जैसे माइनन वो ना नॉमिन सॉरी न्यूट्रल जेंडर का मैं क्या बना देती माइनम ठीक है माइनम ओके okay? तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि कि किस तरीके से हमारा नाउन का जो आर्टिकल होता है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं प्रपोजिशन अब धीरे धीरे ऐसे ग्रामर में छोटी छोटी चीज़ें से हमको देख के पता चलेगा कि आगे सेंटेंस किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा ओके आई होप कि आपको अब आप इंटरेस्ट आ रहा होगा जुम्मन पढ़ने में क्योंकि वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है ओके okay? अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जब आप एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है ना ये तो अच्छी चीज़ है कि आपको आपको इसका रीज़न समझ में आ गया और जो इसमें अब आप, आप इसको ना रट भी सकते हो कि आपको पता है हमेशा मेरा क्या होगा प्लूरली होगा है ना तो मिट के आने के साथ मेरा क्या हो जाएगा मिट माइन एंड फ्राइंडन तो आप इसको धड़ल्ले से बोल सकते हो यान आई गो विद माई फ्रेंड्स मिट डेमारा तो शूल या मैं जाता हूँ किसके साथ किसके साथ mid day farad तो आपको पता है कि मुझे इसको डिक्लाइन करना है डिक्लाइन यानी कि मुझे इसको चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग इस नाउन के अकॉर्डिंग mid day farad i'm going with my bicycle कहाँ जा रहा हूँ? zur shul शूले शुल। का भी आपको पता है कि सबसे पहले अगर सु मतलब 2 तो आएगा zur या शूल क्योंकि शूल क्या है हमारा एक फिर मैंने नार्टिकल है डी शूल या जिर, जुर शूल तो धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा ना कि आपको पता चल जाएगा शूल से पहले जुर् आता है सो शूल ओके okay? मिट डीम फार मिट माइन एन फ्रॉयन फिर क्या हो जाएगा ये तीनों के तीनों एक साथ बोले जाने वाले ऐसे एक शब्द से लगेंगे आपको मिट माइन एन फ्रॉय मिट डीम फार बिलीव मी और ये कैसा आएगा धीरे धीरे पढ़ने से प्रैक्टिस करने से ना उसको बार बार ही बोलने की आपको प्रैक्टिस करनी है लॉजिक तो समझना ही है लॉजिक को नहीं छोड़ना है लॉजिक ऐसा क्यों हो रहा है सबसे पहले तो वाई पकड़ना है कि ऐसा क्यों है जब आपको समझ में आए वाई उसके बाद आप रट भी सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि अब रटने के बाद मैं इसको गलत कभी लिखूंगा ना क्योंकि तो ऐसे ही होगा ये ऐसे ही होगा ओके मिट के साथ माइन एंड एन फ्री आएगा मिट के साथ डेम फारहाडी आएगा ओके तो ये आपको क्या देगा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और अगर आपको ये फोर्टी वर्ड्स लिखने हैं ईमेल में तो हंड्रेड परसेंट श्योर आपका कहीं ग्रामर इधर उधर नहीं जाएगा ओके चलो आगे पढ़ते हैं दास फिंडे इश, और मैं इस साइकिल के साथ इतनी सारी चीजें कर पाता हूं, वो रियली ट मीन्स होता है ग्रेट ओके आई फाइंड इट रियली गुड रियली टॉल मीन्स होता है ग्रेट गुड okay? really really है great, good, ना वंडरफुल टॉल ओके फिलइस मिट

फेमिलिया का क्या आर्टिकल होता है डी फमिल मतलब की एक फेमिनिन नाउन है जैसे ही आपको पता चल जाए आर्टिकल तुरंत दौड़ो अपने चार्ट पर डाटे पे आ जाओ, इधर आ जाओ जाओ इधर डाटे पे ठीक है फेमिनिन पे हमको आना है और क्या हो जाता है डेयर डेयर ये डेफिनेट आर्टिकल में होता है तो जब मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगी कि मेरी फैमिली माइनर फेमिली तो देखो एंड में क्या है एक ई er आर है ये ई er आर किस में चला जाएगा माइन में तो आ जाएगा माइनर माइनर फमीलिया आर माइनम फाराइन फ्रोयन आप देख रहे किस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है और एकदम सटीक पैटर्न है ऐसा नहीं कि कहीं इधर उधर ये न एकदम ग्रामर के अकॉर्डिंग चल रहा है ओके okay? तो आप तीसरा चीज आप क्या धड़ल्ले से याद कर सकते हो मिट माइनर फमीलिया मिट जब भी फमीलिया आएगा मेरी फैमिली तो आप बोलेगी मिट माइन माइनर फमीलिय फमीलिय Yeah, या पे my लगा सकते क्योंकि आपने माइनर लिखा है फैमिली ठीक है तो अब इसमें ये भी एक तीन तरीके का वर्ड है जो साथ में ही बोला जाएगा विद माई फैमिली मिट माइन ऑफ अमीलिय कहा गए थे किसके साथ गए थे मिट माइन ऑफ या मैं अपनी फैमिली के साथ गया था तो आप सेंटेंस पढ़ते हैं फिलइ माखे मिट माइन ऑफ अमीलियम ऑगुस्ट ऐसा वो विचार कर रहा है कि शायद राइड हाँ? मैं एक राइड पर जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ और वो कब जाएगा इन अगस्त वो अगस्त के महीने में जाएगा और क्या करने जाएगा रात मतलब आपको पता है साइकिल और टूअर इंग्लिश का टूअर है राड टूअर आर्टिकल क्या है इसका डी राी राी रायसाइकिल टूअर लोग जर्मनी में क्या करते हैं लोग अपनी साइकिल लेके सैटरडे संडे हो वो अपना टूर पे निकल जाते हैं बहुत कॉमन है वहाँ पे अपनी हेल्थ और फिटनेस जैसे मैंने बताया फिटनेस फ्रीक होते हैं बहुत सारे लोग अपना जब देखो वो साइकिल और उनके साइकिल की जो है ना पैसेजेस भी बहुत अच्छी बनी है जर्मनी में ठीक है इसलिए जैसे इंडिया में देखेंगे तो स्पेसिफिक जो लेन्स है नहीं है अभी है ना उतना मगर जर्मनी में या अदर पार्ट ऑफ यूरोप में अगर आप देखेंगे अगर कभी आप हाँ जाएंगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे साइकिल्स के ना बहुत सुंदर उन्होंने जगह बना रखी है ठीक तो है तो उसकी वो प्लेटफॉर्म सुंदर है तो इसीलिए पे लोगों को मज़ा भी आता है तो वो कहता है बेन कि मैं शायद ऐसा सोच रहा हूँ कि अगस्त के महीने में एक राड टूर कर लू एक साइकिल को टूर कर लू कहाँ पर इम श्वार्स वर्ल्ड श्वार्स वर्ल्ड वर्ल्ड क्या होता है वर्ल्ड का मतलब होता है जंगल श्वार्स का मतलब होता है काला ब्लैक फॉरेस्ट ये एक जगह है बहुत सुंदर जगह है श्वासवाल इसको आप गूगल जरूर करना सर्च करना इसको श्वास वाल श्वास वाल यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट ओके इसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट है ये एक फॉरेस्ट और जो कि अपनी कुकू क्लॉक्स wow, के लिए बहुत फेमस है कुकू यानी कि जिसमें से एक आ, जब भी एक वन वन आवर होता है घंटा होता है एक घंटा पूरा होता है तो कुकू बाहर आके टुंग टुक टुंग टुक कुकू कुकू करके वो जो है बोलती है तो ब्लैक फॉरेस्ट में जो है कुकू वॉल क्लॉक्स जो है बहुत ही फ़ेमस है और वो वुड की बनी होती है ना उसी जंगल से लोग वुड तोड़ के वो वॉल्स जो है वॉल क्लॉक्स बनाते हैं ठीक है तो ज़रूर इसको आप सर्च करना ओके और देखना इसके बारे में कि शॉर्ट्स वर्ल्ड क्या है और कौन सी जगह पर है ठीक है तो बैक कमिंग बैक टू तो हो सकता है कि मैं ब्लैक फॉरेस्ट में अगस्त के महीने में अपने मम्मी पापा के साथ या अपनी फैमिली के साथ, और अपनी फैमिली के साथ जो एक जाऊं ओके <coughs> अपने बारे में बताया अब वो पूछता है कांस दू राट फारन क्या तुम साइकिल चला सकते हो क्या तुम्हारे पास एक साइकिल है हज डू डू यू हैव ऑल्सो अ बाईसाइकिल ऑक मीन्स ऑल्सो ओके ऑल्सो राइट सेकेंड क्वेश्चन इसने पूछा श्राइब मी अ बाल्ट हाँ बाल्ट श्राइब मी अ बाल्ट मुझे जल्दी से लिख दो ना मुझे जल्दी से लिखना फील ग्रूस बेन और बेन करके वो इसको एंड करता है ओके okay, तो ये काफ़ी अच्छा है अभी सेवेंथ क्लास में है और अभी जो हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं मॉड्यूल फेयर uh, का तो uh, थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्टी लेवल मैं जैसे देखती हूँ थोड़ा सा अप हुआ है ओके okay, अगर आप इसको ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं डिकोड करके ऐसे मैं बोलती हूँ किसी सेंटेंस को डिकोड uh, करके एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ना कि ऐसा क्यों है क्या है ना तो थोड़ा आगे समय में फिर डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं ठीक है हर चीज़ यहाँ पे जो है लॉजिकली प्रेजेंटेड है मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने आपको सब चीज़ की डिटेल दी है क्या है इसको आप खूब प्रैक्टिस कीजिए ओके एंड okay. आई होप uh, कि ये आपको uh, कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से आ जाएगा तो आप अब इसको हमें जवाब देना है बेन को ओके आंसर देना है ईमेल मेल का श्राइब द एन्ट वॉट अनबेन इन दाइन हैफ्ट अपनी अपनी नोटबुक में इसका जो है जवाब जो ये एंट वर्ड है अनबेन अनबेन यानी कि टू बैन बेन को हमको लिखना है एंड वॉट ऑफ द फ्रागन ये जितने भी क्वेश्चन हैं एंड वॉट ऑफ द फ्रागन अगेन ये इम्पेरेटिव है क्योंकि आपको आ, एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि अब इनके आप जवाब दें एंड वॉट ऑफ द फ्रागन ओके okay, क्वेश्चंस के जवाब दें शराब सिरका फीस आपको कम से कम चालीस सिरका यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो है वर्ड्स आपको लिखने हैं और डी व्यटर ये हमारे हो गए वर्ड्स आपको चालीस वर्ड्स के कम से कम लिखने हैं ओके okay, तो क्या क्या क्वेश्चन के हमें आंसर्स करने हैं वो हम पढ़ लेते हैं पहले सबसे पहले नंबा आइन से वी फिंडार बेन वी वी यानी कि हाउ हाउ डू यू फाइंड वी फिंडस डू दस बेन यानी की बेन की जो है साइकिल आपको कैसी लगती है चीज आपको कैसी लगी उसकी साइकिल को तो आपको उसका जो है ब्यौरा देना है यहाँ पे दूसरा वो पूछता है कांस डू राशन क्या पूछा है कांस डू रा तुम साइकिल चला सकते हो कांस डू कैन यू ओके okay, इसका एक जवाब हमको देना है नंबर द्राए है मिस्टिस दू गा एंड फाराड आर मिस्टिस दू गा एंड फार आर और हसुशन आइंस क्या तुम जो है एक फाराड चाहते हो मैं मिस्टिस दू गन एंड फाराड क्या तुम एक साइकिल खरीदना चाहते हो या अपने लिए चाहते हो कि तुम्हारे पास एक साइकिल हो और हस दू शन आइंस या फिर तुम्हारे पास ऑलरेडी है और डू यू हैव वन ऑलरेडी ऑलरेडी वन यू हैव ऑलरेडी आइंस मींस वन इंग्लिश में कैसे हैव ऑलरेडी वन ओके ये भी मुझे बताना है कि तुमको चाहिए है ना खरीदनी पड़ेगी उस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर फोर पूछ रहा है यानी कि कौन सा मोड यूज करते हो तुम स्कूल जाने के लिए वी हाउ डू यू ट्रैवल हाउ डू यू ट्रैवल टू योर स्कूल के वी फेयर्स जो शूल मिड डेम फार अब देखो ऑप्शन में भी कैसे दे रहा है मिड डेम फार यानी कि विद साइकिल मिड डेम बस विद द बस मिड डेन एल्टन इम ऑटो मिड डेन एल्टन अम मिड इम ऑटो इम ऑटो अब देखिए अब यहाँ पे अब ये चार्ट अगर आप याद करेंगे कि अगर मैंने डाटि का चार्ट यहाँ पे लिखा था पूरा लिखती हूँ आपके लिए नामिनाटिव एक्साटिव मास्कुलीन फेमिन न्यूटर प्लूरल, ठीक है देखिए चलिए डाटिव का मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या हो जाता है डेम डेयर डेम और डेन राइट अब सबसे पहले क्या यूज़ किया है फ़ाराद, मिट डेम फ़ाराद, ओके मिट डेम फ़ाराद, फ़ाराद क्या होता है न्यूटर जेंडर है तो आगे हमारा डेम फाराड

आप देखिए किस तरीके से चेंज हो रहे है कि आपको बार बार ही मिड डेम फार मिड डेम बुस ये बोलना क्योंकि जैसे ही मिट लगेगा डेफिनेटली वो डेम बुस हो जाएगा जैसे ही वो आ, मिट लगेगा तो दास फार हमारा क्या हो जाएगा डेम फार हो जाएगा मिड डेम फार ओके okay? और लास्ट में क्या है मिड डेन एल्टन मिड डेन एल्टन तो ये हमारा प्लूरल है एल्टन यानी कि पेरेंट्स प्लूरल है ना तो प्लूरल क्या हो जाता है हमारा मिड डेन एल्टन देखिए डेन आ गया यहाँ पे एल्टर ठीक है अभी इतनी बारी बोलने के बाद आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा राइट right? कि ये डेम डेर डेम चल क्या रहा है ये बस चल रहा है ग्रामर के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो रही हैं प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो रही हैं ओके okay? चलिए अब आई एम होपिंग कि आप इसको करेक्टली लिखेंगे अपने एग्जाम uh, में ई मेल के दौरान ठीक है तो चलिए और इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं तो इसका आंसर मैंने लिख दिया है और ये चारों के क्वेश्चन जो हैं चारों क्वेश्चन को इसमें हमने कवर किया है पढ़ते हैं लिबिया बैन बे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सैल्यूटेशन जो हैं वो देनी है लिबिया बैन बे यानी कि डेब बेन, बेन एस्ट कूल या कूल टॉल सुपर आप कुछ भी लिख सकते हैं या ऑर्गेजाइश है ना ये वर्ड हमने पहले देखे हुए हैं इश फिंडारकूल उसे पूछा था वी फिंड फन बेन तो आप लिख सकते हैं इश दाइन इशफिंडारा एशकूल मुझको तुम्हारी जो साइकिल है बहुत ही अच्छी लगी अब यहाँ पे आपको सेंटेंस में क्या दिखना है फिंडन हमारा एक्यूजेटिव वर्ब है जैसे हमने पढ़ा है वीडियो में फिंडन है हमारा एक्यूजेटिव वर्ब ठीक है इसके लिए दास फाराड क्या हो जाएगा हमारा दाइन फाराड राइट दास फाराड है तो यह हो जाएगा हमारा दाइन फाराड क्योंकि ये एक्विजेटिव में क्या होता है एक्विजेटिव में होता है हमारा डेन इसको पूरा मैं लिख देती हूँ डेयर डी डेन सॉरी डेन डी डी ठीक है तो दाइन दाइन भी हमारा जैसे माइन है इसमें भी हमारा सेम ही रहता है ना तो न्यूट्रेजेंडर में क्या होता है यहाँ पे हमारा माइन ही हो जाता है क्योंकि ये हमारा क्या है एक

अब उसके साइशनेट कोई भी वर्ड आप इसमें एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं ओके दास गिफेल्ट मिय जिया दास गिफेल्ट मिय जिया यानी कि तुम्हारी जो साइकिल है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी गिफेल्ट यानी ये किससे आया है हमारा वर्ब है हमारा गिफ़ालन गिफालन ओके वो मुझको जो चीज़ कुछ जो चीज़ अच्छी लगती है जैसे खाना या कोई चीज़ हम उसको बोलते हैं कि मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी दस गिफेल्ट मिय जिया गुड है ना मेयर आएगा क्योंकि हमारा अगेन डाटि वर्ब है डाटिव वर्ब में हम हमेशा मेयर यूज करते हैं ना में हम लोग मिश यूज करते हैं यहाँ पे दास गिफेल्ट मिया। जिया। बहुत अच्छी लगी ओके इश हाबन आइन अब उसने पूछा था डू आइंस ओके तो वो लिखता है इश हा बशन आइन मेरे पास ऑलरेडी एक आ, जो है बाईसाइकिल है

जनरली हम बर्थडे पार्टी बर्थडे पार्टीज में एनिवर्सरीज में किसी ना किसी को गिफ्ट देते हैं ना इसके अलावा भी दे सकते हैं बट शेंकन जनरली गिफ्ट जब हम देते हैं तो उसके उसको शेंकन ओके okay. और शेंकन क्या है एक डाटिव वर्ब है ओके okay. एक डाटिव वर्ब है तो इस चीज के लिए यहाँ पे आप आ, जो है मैंने एक सेंटेंस यूज किया माइन एल्टन हाव एन मीर तो वो बता रहा है कि ये साइकिल मुझे कब मिली ओके okay. ये एक एक्स्ट्रा सेंटेंस से, है क्योंकि यहाँ पे उसने सिर्फ पूछा था कि क्या तुम्हारे पास है कि या तुम लेना चाहते हो तो मैंने बताया यहाँ पे हाब अशन आय फारात मेरे पास ऑलरेडी एक साइकिल है और ये मेरे मम्मी पापा ने मुझको मेरे बर्थडे पर दी थी ओके okay? मायना एल्टन हाब इन मियर दस फारात अन मायनम गेबोस्ता कैशन अन मायनम गेबोस्ता मतलब ऑन माय बर्थडे गेबोस्ता का मतलब होता है बर्थडे ओके okay? बर्थडे गेबोट का मतलब होता है जन्म गेबोट ठीक है का मतलब होता है जन्म लेना किसी का जन्म होना और टाग का मतलब आपको पता है डे ठीक है तो ये जन्म दिन जैसे हो गया ठीक है जन्म दिन गेबोट ओके गे? अन मतलब हो गया ऑन यहाँ पे प्रपोजिशन का मतलब हो गया ऑन ऑन माय बर्थडे ओके अन माइनम गैबोट का क्या हो जाएगा ऑन माय बर्थडे ये मुझको मेरे जन्मदिन पर मेरे मम्मी पापा ने माइना एल्टन ओके okay, मियर यानी कि मुझको दिया है हा इन मियर टू मी यहाँ पे मियर क्यों आया है क्योंकि शंकन जो है एक डाटिव वर्ब है ठीक है जब भी हम वर्ब यूज करते हैं तो उसके लिए क्या हम यूज करते हैं मियर या दियर ओके okay? तभी सेंटेंस बना है माइना एल्टन इन मियर मुझको दिया है क्या दिया है दास फाराड साइकिल दिया है कब दिया है अन मायनम मेरे जन्म दिवस पर, गेशंक, देना ओके अब ये जो सेंटेंस है ये हमारा एक परफेक्ट सेंटेंस है परफेक्ट क्या है एक टेंस है ना जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस पास क्या है एक परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है ठीक है क्योंकि यहां पे हमने शंकन से क्या बनाया है गैशन से हमने बना दिया है गैश गै गे का मतलब होता है दिया

स्वाभाविक सी बात है हिंदी में कैसे हम रुकते हैं बोलते हैं स्वाभाविक सी बात है कि मुझे साइकिल चलानी आती है ओके? Okay? ड्राई यारन फॉर इशराड अब यहाँ पे वो एक लाइन में वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है कि तीन साल से जो है मैं साइकिल चला रहा हूँ जाइड ड्राई यारन मतलब कि सिंस सिंस थ्री ईयर्स आई है बाई साइकिल ओके आई राइड बाई साइकिल तीन साल हो गए मुझे चलाते चलाते ओके okay? ये डन टाग गेह इश और सबसे लास्ट क्वेश्चन वी दो उसका जवाब हमने यहाँ पे दिया है ये दिन टाक, हर दिन जो है गेह इश मैं जाता हूँ गेह इश वी टू अगेन सेकेंड नंबर पे आया है नॉर्मली क्या हम बोलते हैं इश गे मैं जाता हूँ मगर यहाँ पे हो जाएगा ये डन टाग गे हे इश ये फ्लिप कर जाता है है ना फ्लिप करता है ये डन टाग गेह इश किसके साथ अगेन यहाँ पे मैंने बताया जैसे मिट लगाएंगे विथ माई बाई तो क्या हो जाएगा मिट या फिर मिट डेम अगर आपको लिखना है विद बाई दोनों ही ठीक है माइंड लगाने से थोड़ा पर्सनलाइज हो जाता है कि मेरी बाईसाइकिल के साथ मैं प्रतिदिन जाता हूँ कहाँ जाता हूँ शूल मैंने बताया आपको शूल भी साथ में ही बोला जाता है जुर्शूल आप देख सकते हैं कि अगर इस तरीके से आप सेंटेंस बनाए ये किसके साथ मिट माइन शुल तो एक सेंटेंस में अगर आपको ये सब चीजें पता ही हैं मिड एम फाराद आएगा शुल आएगा तो फिर सेंटेंस में रही क्या जाता है है ना कितना सिंपल ये सेंटेंस हो जाता है हंड्रेड परसेंट श्योर कि आपको अब ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से और कॉन्फिडेंट फील कर होंगे कि हाँ मैं एक अच्छी ई जो है लिख सकता हूँ ओके इशमाक माइन फाराद जिया तो कुछ सेंटेंस हमने एक्स्ट्रा लिखे हैं बट इट्स ओके आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बहुत लंबे सेंटेंस नहीं लिखने जो भी लिखें ग्रामेटिकली उसको करेक्ट लिखें ना सटीक लिखना है ठीक है मार्क माइंड फारात जिया मुझको मेरी साइकिल जो है बहुत ज्यादा पसंद है फील ए ग्रू से और अपना नाम यहाँ पे आप लास्ट में लिख दें तो ये जो है फोर्टी वर्ड से ज्यादा ही की मेल है और Uh, आप इसमें से जो है कितने भी सारे सेंटेंसेस उठा सकते हैं डेफिनेटली आप अपनी प्रीवियस जो आपको मेल दिए इसमें भी बहुत सारे सेंटेंसेस उठाने के लिए तो आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि इसमें ये जो uh, जितने भी हैं आठ दस सेंटेंसेस हैं एनफ हैं आपको अपने ईमेल uh, में लिखने के लिए